सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र अंतर्गत जहारंगडीह 16 नंबर कॉलोनी का सीसीएल कथारा क्षेत्रीय कल्याण समिति और सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान कॉलोनियों में हो रहे 53 शौचालयों के निर्माण कार्य में कई कमियां नजर आई। वहीं कई शौचालय ऐसे भी थे जिनका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र अंतर्गत जारंगडीह 16 नंबर कॉलोनी का सीसीएल कथारा क्षेत्रीय कल्याण समिति और सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण में सीसीएल अधिकारियों में एसओपी जयंत कुमार और एसओसी सुमन कुमार मुख्य रूप से शामिल रहे। दरअसल निरीक्षण जारंगडीह 16 नंबर कॉलोनी में सीसीएल द्वारा बनाए जा रहे 53 शौचालयों का किया गया। निरीक्षण के दौरान कई शौचालय निर्माण कार्य अब तक पूर्ण नहीं किए जाने का मामला सामने आया। साथ ही कई आरोप सीसीएल कर्मी व उनके आश्रितों के द्वारा संवेदक पर भी लगाए गए और बताया कि उक्त निर्माण कार्य लगभग जनवरी महीने से शुरू किया गया है, लेकिन अब नवंबर आ चुका है। 10 महीनों में शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। आज भी कई शौचालयों में पेन नहीं लगाए गए हैं। वहीं कथारा क्षेत्रीय कल्याण समिति के सदस्य नवीन विश्वकर्मा ने कहा कि उक्त मामले में सिविल विभाग और कथारा प्रक्षेत्र के अधिकारियों को त्वरित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि श्रमिक व उनके आश्रितों को कोई तकलीफ ना हो सके। क्या कुछ काम किया है? खाली उतना ही किया हुआ, टेप स्लेप कुछ नहीं बैठाया हुआ है। स्लेप भी नहीं बैठाया, पेन भी नहीं बैठाया, सिर्फ दरवाजा लगाया हुआ। और जो टंकी जो बना रहा था वो पूरा किया? हाँ, वो पूरा हो गया। और उसमें स्लेप लगा दिया? अधूरा है वो लगे। काम पूरा कंप्लीट कर लिया? जी नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। क्या अधूरा है? अभी पेन नहीं लगा हुआ है, अच्छे मार का लाइन नहीं बिछा हुआ है। कितने दिनों से ये कार्य चल रहा है? अब बगल में तो मुंशी जी है सर, पूछ लीजिए ना। मुंशी जी ने? फिर भी आपको मालूम होगा ना? हाँ, करीब लगता है 6 महीना लगभग हो ही गया। 6 महीनों से काम चल रहा है लेकिन अब तक पेन नहीं लगा? पेन नहीं लगा है, वायरिंग नहीं हुआ है। उसके बाद हम बोले सर इसमें इंग्लिश लगा दीजिए, तो बोल रहा है बोला हम लोग को ही में है ये नहीं पूरा किया। और हम जो ये लगाए हैं ना पेप, अपने से लगाए हैं, खरीद को बाथरूम से जो बाहर किए ना, खरीद को लगाए हैं, एक खरीद को लगाए हैं, अपने से लगाए। हाँ, अपने पैसा दिए। ठेकेदार पेन बैठाया है शौचालय में? नहीं, अभी तक नहीं बैठाया। और क्या नहीं किया ठेकेदार? ठेकेदार यही किया, इसमें ईटा नहीं दिया, मेरे ही दीवार है, खाली बीच में दीवार दिया है। मेरा बड़ा रूम था ऐसी बाथरूम का, उसी में खाली ढलाई हुआ। हम लोगों ने कल्याण समिति के द्वारा आज 16 नंबर धौड़ा में 53 लेटरिन और बाथरूम का निर्माण का कार्य का निरीक्षण करने आया है, जिसमें हम लोगों ने अभी हमारे सहकर्मी साथियों के द्वारा और हमारे द्वारा भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है, जिसमें हमने देखा कि इस्टीमेट के आधार पर काम नहीं हुआ है। चूँकि हम यह भी नहीं कह सकते कि काम नहीं करके बिल ले लिया ठेकेदार, उनका काम अभी जारी है और वो हमको उम्मीद है कि वो काम भी करेंगे। जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ है वो काम भी करेंगे। और हम सबका मानना है कि अगर सरकारी फंड जो है वेलफेयर का, उसका सही उपयोग हो और इसका लाभ एम्प्लॉय को मिले। जनवरी माह से कार्य आरंभ किया गया है, अब नवंबर। जी इस पे क्या बताएंगे? हाँ, विलंब से। जी मेरा यहाँ पे भौगोलिक स्थिति है इस कॉलोनी का कि इनका रॉ मटेरियल जो है ईटा बालू गिट्टी जो भी है वो करीब करीब हमको लगता है 50 फीट के दूरी पे गिराते हैं ठेकेदार, वहाँ से ठेला से ले आ करके ये काम कर रहे हैं। चूँकि कॉलोनी का विजिट के दौरान सीसीएल कर्मी कई आरोप लगाए हैं, उन आरोपों पर क्या बताएंगे? उनका आरोप एकदम सत्य है और 100% इसमें कहीं ये नहीं है, दो राय नहीं है कि वो आरोप सत्य है। कहीं ना कहीं सीसीएल एम्प्लॉय को आज भी समस्या से जूझना पड़ रहा है। जी कंपनी वेलफेयर के मद में लाखों रुपया खर्च करती है और उसका उपयोग हम लोग भी चाहते हैं कि सही में आने में एम्प्लॉय को मिले, और इसमें यहाँ के प्रबंधक का भी सहयोग जरूरी है कि वो अपने स्तर से ठेकेदार को आदेश दें कि गुणवत्ता के साथ को कार्य करें। ये काम सैनिटेशन का
जहाँ पर टॉयलेट बाथरूम नहीं था वहाँ पर लगाया जा रहा है, तो उसी के संदर्भ में देखने आए थे कि काम ठीक ठाक हुआ है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई कंप्लेन आए सीसीएल कर्मी द्वारा कि सर अनकम्प्लीट शौचालय है, तो इस पर क्या बताएंगे? नहीं नहीं, अभी दिवाली और छठ के कारण कुछ लोग काम में इंटरेस्टेड नहीं थे, उसी कारण रुका हुआ था। तो अभी जगह का कमी है, गली देख ही रहे हैं यहाँ पर, तो इसके कारण जो संकीर्ण स्थिति है उसमें काम करने से पर्व त्यौहार में दिक्कत था, उसी के मद्देनज़र काम थोड़ा। इम्प्लाई से बात आई कि सर जनवरी माह से ही काम चालू किया गया था, अब नवंबर आने को है। ये लॉकडाउन का कुछ समस्या रहा होगा, हम तो अभी इधर ज्वाइन किए थे 3 महीना पहले, उसमें बारिश वारिश काफ़ी था तो काम करने में दिक्कत था। अभी काम संपूर्ण कराया जा रहा है और अच्छे से पूर्ण कराया जाएगा, और उसके बाद फिर से हम लोग दोबारा विजिट करेंगे। उसमें कहीं कोई सिविल विभाग कथारा पर क्षेत्र क्या कुछ कार्रवाई करने को देखे गए सर? कथारा कोलियरी तत्पर है, अपना काम जो अधूरा छूटा पड़ा है 2-4-10 घर का, उसका संपूर्ण अच्छी तरह से कराया जाएगा। इसमें कहाँ